हे गाइस, वेलकम बैक। सो हमने काफ़ी कुछ कर लिया है म्यूज़िक प्लेयर के लिए, और सारा जो हमारा जो सेटअप है वो डन हो चुका है। अब हमें म्यूज़िक प्लेयर इंप्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये है कि हम ऑनलाइन कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं। मैंने मीडिया प्लेयर का ये देख सकते हो कि आपने शुरू में एक मीडिया प्लेयर नाम का एक वेरिएबल लिया, मीडिया प्लेयर। अब मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा। सो व्हाट आई विल डू, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं इसका। सो मीडिया प्लेयर इज इक्वल टू न्यू मीडिया प्लेयर, एंड यहाँ पे मेरा इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया ये। अब मुझे क्या करना है, अब ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले, हमने अभी तक अपने रिसाइकलर व्यू में कोई आइटम ही ऐड नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा अडेप्टर है हम इस जगह पे आते हैं और यहाँ पे हमें आइटम ऐड कर देते हैं सबसे पहले। तो सॉन्ग इन्फो में मैं ले लेता हूँ एस इज इक्वल टू न्यू सॉन्ग इन्फो, और इस पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आइटम ऐड करता हूँ। तो इसके अंदर आइटम क्या जाएगा, सबसे पहले आर्टिस्ट नेम है, तो मैं एक गाना ऐड करने वाला हूँ, चीप थ्रिल्स। ऑल्दो मेरे पे क्या होने वाला है कि अगर मैं ये गाने को रन करूँगा तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, बट फिर भी मैं रन करता हूँ, अगर आ गया तो हटा देंगे गाना। तो यहाँ पे सियाड जो आर्टिस्ट नेम है वो डाल दिया मैंने। तो आप देख सकते हो, सॉन्ग नेम चीप थ्रिल्स, आर्टिस्ट नेम सिया, और अब मुझे यहाँ पे सॉन्ग यूआरएल डालना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक जगह का यूआरएल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से इस यूआरएल को के थ्रू हम गाना को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये ऐड कर दिया। अब ये सॉन्ग इन्फो को मैं किस में अपने लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। सो ऐड एस। सो अब ये ऐड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जब ये सॉन्ग अडेप्टर है जो मेरा, उसका जो ऑन क्लिक लिसनर है उस पर वो बटन को क्लिक पे हमें परफॉर्म करवाना है ऑपरेशन। सो सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर न्यू सॉन्ग अडेप्टर। सो ये हमारे पास ऑन आइटम क्लिक है। इस मीडिया प्लेयर को क्या करते हैं, हम इसके अंदर ले जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मीडिया प्लेयर को अब मुझे क्या करना है, इसका डेटा सोर्स सेट करना है। तो सेट डेटा सोर्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा सोर्स में मेरे को कहाँ से मिल जाएगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को यहाँ पे डेटा सोर्स सेट करना है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट से मैं डेटा सोर्स निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए हम सॉन्ग इन्फो में जाएंगे, और यहाँ पर हमने अभी गेटर सेटर इसका नहीं इम्प्लीमेंट किया था, तो सेटर की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो गेटर ज़रूर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम तीनों का। और यहाँ तीनों के गेटर इम्प्लीमेंट कर लिए, तो अब वापस उस पर जाते हैं, और ऑब्जेक्ट डॉट गेट सॉन्ग यू आर एल से वी विल गेट दी यू आर आई फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। नाउ वट इट विल से कि हमें ये सारा जो है ये जाव आयो एक्सेप्शन दे सकता है, अगर यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू आती है, तो हम इसको एक ट्राई कैच ब्लॉक में रखेंगे। सो यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक बुलाता हूँ, जिसके अंदर मैं आयो एक्सेप्शन स्पेसिफाई कर देता हूँ। सो हमारे पास ये हो गया। इसके अलावा हमें क्या करना है, मीडिया प्लेयर है जो, अब हम इसे प्रिपेयर करेंगे आफ्टर सेटिंग द डेटा सोर्स। तो आपके पास दो तरीके के मेथड है, प्रिपेयर असिंक्रोनस और प्रिपेयर। सो नॉर्मल प्रिपेयर में क्या हो सकता है कि आपका यूआई थोड़ा लैग कर सकता है, क्योंकि आप फटाफट उसको लोड कर रहे हो, मेन थ्रेड पे कर रहे हो, तो हम बैकग्राउंड थ्रेड पे करेंगे, तो हम प्रिपेयर असिंक को कॉल करेंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है कि सेट कर देंगे उसका ऑन प्रिपेयर्ड लिसनर, विच मीन्स कि जब वो प्रिपेयर हो जाए तभी हम इस गाने को प्ले करें। उससे पहले अगर हम प्ले करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो म्यूज़िक प्लेयर है वो अभी अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एमपी डॉट स्टार्ट, यानी जैसे ही प्रिपेयर हो जाए तो हम गाने को प्ले करेंगे। तो अब पहला, अब हमने जो गाना है जो हमारा वो इंटरनेट से फेच कर रहे हैं, तो हमें एक और काम करना है कि हमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में इंटरनेट की परमिशन देनी होगी। सो यूजेस परमिशन इंटरनेट, और हम यहाँ से इंटरनेट की परमिशन देते हैं, और अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, बिकॉज हमारा ये काम कम्प्लीट हो गया है। तो यहाँ से हम रन करेंगे इसको, और अच्छा एक चीज़ और कर देते हैं पहले रन करने से पहले, जैसे ही वो रन हो तो जो हमारा बटन है उसका जो सेट टेक्स्ट है उसको हम दे देते हैं स्टॉप, ओके, यानी वो स्टॉप हो जाए, मतलब जो प्ले दिखा रहा है वो स्टॉप दिखाने लगे फिर, बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि जब वो स्टार्ट हो जाए। अच्छा अगर हमने स्टॉप किया है, तो अगर मान लीजिए कि वो, अगर यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं कि बी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, अगर ये स्टॉप है तो हम क्या करेंगे, हमें जो मीडिया प्लेयर है उसको रोकना पड़ेगा, राइट। सो मीडिया प्लेयर को हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, मीडिया प्लेयर को यहाँ से रीसेट कर देंगे, और मीडिया प्लेयर को रिलीज कर देते हैं, राइट। और मीडिया प्लेयर है जो, उसको हम नल भी सेट कर देते हैं, ओके। सो ये हमने इतनी सारी चीज़ें करी। इसके अलावा अब अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हम नीचे वाली प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अब हम रन करते हैं एप्लीकेशन को यहाँ से। सो व्हेन वी रन दिस एप्लीकेशन, इंस्टॉल कर रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास ये आ गया है।
अब राइट नाउ क्या है कि इसने हमें कोई आइटम शो नहीं किया, अब वो क्यों नहीं किया है वो हमें देखना होगा। तो इशू ये है कि हमने क्या करा है, हमने जो रिसाइकलर व्यू है इसका लेआउट मैनेजर सेट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं सेट लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे हम देते हैं लीनियर लेआउट मैनेजर। तो हमारा लेआउट मैनेजर सेट हो गया है, तो अब इशू नहीं आना चाहिए। एक चीज़ और हमने मिस कर दी है कि जब हमारा गाना स्टॉप होता है, यहाँ पे हमने इफ़ के बाद एल्स ब्लॉक नहीं लगाया है, तो यहाँ पे एल्स के अंदर इसको डालते हैं ताकि यहाँ पे कोई एरर ना आए। यहाँ पे एक और कैच है। अब क्या करना है, अब जब हमारा गाना जो स्टॉप हो गया है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जो बटन है उसका भी टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं और उस सेट टेक्स्ट को कर देते हैं प्ले, राइट, ताकि नेक्स्ट टाइम हम प्ले कर सकते हैं। दोबारा इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं। तो हमारी एक्टिविटी यहाँ लॉन्च हो चुकी है, आप देख सकते हो हमारा आइटम आ गया है चीप थ्रिल्स सिया। अब प्ले पे क्लिक करूँगा मैं और फिर देखते हैं गाना बजता है कि नहीं। प्ले पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे गाना थोड़ा इंटरनेट से लोड हो रहा है और हमने कोई लोडिंग बार नहीं दिखा, ऐसा थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। और अभी गाना स्टार्ट हो चुका है, तो आप सुन सकते हो गाना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप स्ट्रीम कर सकते हो, आप रेडियोज वगैरह को इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं यहाँ से स्टॉप कर दूंगा इसको और ये गाना स्टॉप हो गया मेरा और प्ले बटन दोबारा आ गया। तो इस तरीके से आप ये एप्लीकेशन बना सकते हो, और ये अभी मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो इसमें, कि आप ऑनलाइन कैसे स्ट्रीम कर सकते हो। इसके अलावा आप जो नेक्स्ट चीज़ करेंगे, हम ये करेंगे कि हम रन टाइम परमिशन कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हम यूज़र की स्टोरेज को रीड कर सकें और उसके सॉन्ग्स को डिस्प्ले कर सकें। थैंक यू।